नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पीईटी का सिलेबस जब से जारी हुआ है तब से आप लोगों के तमाम जो है क्वेश्चन आ रहे हैं कि कैसे भर्तियां होंगी, कैसे क्या चीज़ें होंगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पीईटी आने से भर्तियों का जो पूरा होने का समय है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्योंकि बात है UP SSC की, जो कि बिना पीईटी के भर्तियाँ नहीं कर पा रहा तो पीईटी बात तब कर पाएगा। लेकिन अब देखिए दोस्तों, सत्य यही है, सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि पीईटी का अप्रूवल हो चुका है और अब जो भी आप UP SSC में नए फॉर्म्स आएंगे उनको अप्लाई करने के लिए आपको पीईटी क्वालिफाइड होना ही पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पीईटी में कितना कट ऑफ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पीईटी के कट ऑफ का वीडियो बना डाला है अभी से ही कि इतनी कट ऑफ जाएगी इतना। पीईटी में कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है, पीईटी के लिए बिल्कुल परेशान ना होइए। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई कैसे करना है, आपको सिर्फ मिनिमम मार्क्स लाने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। जो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको पीईटी क्वालिफाई करना है। जब आप क्वालिफाई कर लेंगे पीईटी को, उसके बाद फॉर्म निकलेंगे, ठीक है, फॉर्म निकलेंगे तो उसमें सिर्फ एक एलिजिबिलिटी रहेगी कि इस फॉर्म को वो लोग भरें जो पीईटी क्वालिफाइड हैं। ये नहीं कि जिसके पीईटी में 100 में से 80 नंबर आए हों वही फॉर्म भर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो फॉर्म भरेंगे जो पीईटी क्वालिफाइड होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब पीईटी आपको क्वालिफाई कैसे करना है, पीईटी क्वालिफाई करना बहुत ही सिंपल है, बस आपको पीईटी के सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है उसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो पीईटी के सिलेबस को समझ लीजिए, पीईटी का सिलेबस बहुत ही सिंपल सिलेबस है, उसको हवा बनाया जा रहा है कि इतना भयानक सिलेबस है आईएएस के लेवल का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक जनरल सिलेबस है जो आपको जनरल एबिलिटी आपके सारी चीज़ों को टेस्ट करेगी, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, तो सारी चीज़ों को आपको टेस्ट किया जाएगा। नॉर्मल सी चीज़ें, ठीक है, बहुत डीप में घुस के नहीं कि बिल्कुल आईएएस का जैसे जिस्ट में घुस के, है ना, कि आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ डालिए और फलाना पढ़ डालिए, आप पूरा घटना चक्र पढ़ लीजिए, आप लूसेंट को रट डालिए, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल आपको पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और वो आप कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसके लिए किसी भी परीक्षा को या किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उसका सिलेबस अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सिलेबस पीईटी का आ चुका है, पुराना वीडियो आप देख सकते हैं सिलेबस का। अगर उसमें कई सारे लोगों को हिंदी में जो सिलेबस था उससे प्रॉब्लम हो रही थी, वैसे तो सरकार को हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस जारी करना चाहिए था, ये मस्ट था कि दोनों में सिलेबस जारी करें, लेकिन है भी तो कौन सा आयोग UP SSC, उससे क्या ही उम्मीद की जाए। तो इसलिए दोस्तों, अपने उसके लिए आप लोगों को समझाने के लिए हमारी गवर्नमेंट जॉब स्वीप की जो टीम है उसने पीईटी के सिलेबस को इंग्लिश में तैयार कर दिया है। आप उसको देख सकते हैं, वो सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दीजिएगा। मैं अभी आगे वीडियो में आपको सिलेबस दिखा देता हूँ इंग्लिश में, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। आइए देखते हैं इंग्लिश में सिलेबस पीईटी का। तो ये दोस्तों पीईटी का सिलेबस है इंग्लिश में, जो कि गवर्नमेंट जॉब स्वीपी की टीम द्वारा तैयार किया गया है। आप इसको ले सकते हैं, मैं ये सब दे दूंगा आपको, ये हमारी गवर्नमेंट जॉब स्वीपी की एंड्रॉयड ऐप पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को हिंदी में लिखी थी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, कुछ लोगों को देखिए इंडियन हिस्ट्री आपका 5 नंबर का आएगा, ठीक है। 5 नंबर के लिए आप पूरा जो है हिस्ट्री में घुस मत जाइएगा, ठीक है। मेन पॉइंट्स पढ़ लीजिए कि इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक कल्चर है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, मौर्य डायनेस्टी है, अशोका तक के, गुप्ता डायनेस्टी है, हर्षवर्धन, राजपूत पीरियड, सल्तनत पीरियड, मुगल एम्पायर, मराठा, द राइज ऑफ द ब्रिटिश स्टेट एंड द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, ये सारी चीज़ें इसको आप देखिए 5 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर के लिए आपको पूरा इसमें डीप में घुस नहीं जाना है। अब आपको देखिए, अब जिन लोगों को हिंदी में नहीं समझ में आ रहा होगा अब वो इंग्लिश में ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। ये टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए, इस टॉपिक्स में आपको कुछ ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है तो उसको आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ 5 नंबर का है, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, बहुत ईजी टॉपिक होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, अर्लियर ईयर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, रोल ऑफ महात्मा गांधी, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड राइज ऑफ फ्रंट नेशनलिज्म, ठीक है, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट द ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, क्विट इंडिया मूवमेंट, आज़ाद हिंद फौज। देखिए अब जो इसमें मूवमेंट लिखे हुए हैं, स्वदेशी, सिविल डिसोबिडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये जो मूवमेंट लिखे हुए इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मूवमेंट तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन अब जो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर का आएगा। देखिए अब जो आपका ये इंडियन हिस्ट्री है ये वाली, ये थोड़ी सी टफ है,
ठीक है 5 नंबर की। पहले आप इसलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट ये थोड़ी सी इजी पड़ेगी आपको और मज़ा भी आएगा पढ़ने को, ये भी 5 नंबर का है, तो आप पहले इसको प्रिपेयर करिए, इसको आप बाद में कीजिएगा इंडियन हिस्ट्री को, दोनों 5 नंबर का है। अब आते हैं ज्योग्राफी पे, तो ज्योग्राफी में देख लीजिए कि ज्योग्राफी भी देखिए आपका 5 नंबर का आएगा। बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं घुस जाना है क्योंकि ज्योग्राफी बहुत वास्ट टॉपिक है। आपको क्या पढ़ना है, रिवर्स एंड रिवर वैली, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, माउंटेन हिल्स एंड ग्लेशियर्स, डेजर्ट एंड ड्राई एरियाज, फॉरेस्ट, मिनरल रिसोर्सेज स्पेशली इन इंडिया। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका सॉरी दोस्तों मिनरल रिसोर्सेज का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी समझना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें पॉलिटिकल, जो मैप पहले आता था पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप लेते थे इंडिया का, तो वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी। क्लाइमेट एंड वेदर, टाइम जोन, डेमोग्राफिक चेंज एंड माइग्रेशन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपको ज्योग्राफी में ये टॉपिक्स हैं 5 नंबर के हैं, ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, मिनरल रिसोर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्पेशली इन इंडिया, ठीक है। क्लाइमेट एंड वेदर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, माउंटेन हिल्स पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, ये सर रिवर्स एंड रिवर वैली, ये जो टॉपिक है इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी देखिए ये भी आपका 5 नंबर का है। इसमें आपको देखिए इंडियन इकोनॉमी आएगा 1974 से 1991 तक, प्लानिंग कमीशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 5 ईयर प्लान्स और प्लानिंग कमीशन, इससे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोग ने पढ़ भी रखा होगा, दोबारा से पढ़ लीजिएगा। डेवलपमेंट ऑफ मिक्सड इकॉनमी, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, मिल्क डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन फ्लड, ये भी आपका दूध उत्पादन से ही संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेशनलाइजेशन एंड रिफॉर्म ऑफ बैंक्स, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको पढ़ लीजिएगा। इसमें अब इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग कमीशन आपका इंपॉर्टेंट है, नेशनलाइजेशन रिफॉर्म ऑफ बैंक्स इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 एंड इकोनॉमी देर आफ्टर, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुए थे और उसके बाद में इकोनॉमी कैसी है, उसके बीच बाद पोस्ट 2014 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये जो है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, इकोनॉमिक इम्प्रूव, जीएसटी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये आपका इंडियन इकोनॉमी है 5 नंबर की। इकोनॉमी कुछ लोगों को बोरिंग लगती है, जिनको बोरिंग लगती है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा टॉपिक रहता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। सेलिंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो ऊपर के तीन है इससे आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जुडिशियल फ्रेमवर्क, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज, इस पंचायती राज जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप ऊपर के ये जो तीन हैं और लोकल और पंचायती राज, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे आपको कुल मिला के आपको 3 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, टोटल 5 नंबर का है। अब आते हैं जनरल साइंस, जनरल साइंस देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल जो 10th लेवल तक की होती है साइंस वो आपको पढ़नी है, 5 क्वेश्चन इसके आपको आ जाएंगे। अब आते हैं एलिमेंट्री अर्थमेटिक, इसमें कई सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, देखिए इसीलिए इंग्लिश में किया गया, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया। परसेंटेज दूसरा टॉपिक, सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर, एवरेज, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इससे 5 नंबर आएगा। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा मैथ्स में, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। हिंदी में तो खैर सबको समझ में आ ही गया होगा, सामान्य हिंदी में ये टॉपिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक्स हैं, 9 में से 5 नंबर की आपका आएगा हिंदी का जो टॉपिक्स हैं आपके। वैसे तो हिंदी नीचे अपठित गद्यांश और वो सब भी आएगा, लेकिन ये आपके मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें देखिए सबसे मेन क्या है, विलोम शब्द मेन है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द मेन है, मुहावरे लोकोक्तियाँ मेन है, ठीक है, अशुद्धियाँ भी आएगा, और पर्यायवाची। ये जो मैंने 5 टॉपिक्स बताए हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इससे हो सकता है इसी से आपके 5 नंबर का आ जाए, ठीक है। जनरल इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर बेस्ड ऑन अनरीड प्रोज, जो अपठित गद्यांश होता है, अनसीन पैसेज जिसको कहते हैं, उससे आपके क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन इससे आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके ग्रामर के आएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इंग्लिश में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंग्लिश बैठने लगे पढ़ने पर, अनसीन पैसेज हर आदमी कर लेता है, इंग्लिश ग्रामर का जो प्रपोजिशन, नाउन और ये सब वर्ब वर्ब वो आएंगे वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं लॉजिक एंड रीजनिंग पे, लार्ज एंड स्मॉल, ऑर्डर एंड रैंकिंग, रिलेशन, सेग्रीगेट, कैलेंडर एंड वॉच, कॉज एंड इफेक्ट, कोडिंग डिकोडिंग, नेगेटिव रीजनिंग। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, एक रिलेशन जो उसका पूछ रहे थे, ए उसकी माँ है तो बी उसकी क्या होगी, वो वाला,
ठीक है, ये आपका आ सकता है, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, ठीक है, और आपका रीजनिंग एक आता है कि कथन दिया रहता है उसका रीज़न ये होता है ए और, तो ये तीन चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, आपको तीन नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा, 5 नंबर के, ज़्यादा ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स, सीधा सीधा 10 नंबर का, आपको रोज़ पढ़ना है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले नहीं पढ़ना है, रोज़ पढ़ेंगे आप ये मान के चलिए 10 में से आपके 9 से 10 नंबर आ जाएंगे आराम से। इम्पॉर्टेंट टॉपिक से करंट अफेयर्स आप छोड़ नहीं सकते। अब 11 से जो ये 11 नंबर सिर्फ 11 से आपके जो भी नीचे तक टॉपिक दिए हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपका हो गया करंट अफेयर्स, अब आते हैं दूसरा, ये टॉपिक आपका जनरल अवेयरनेस 12 नंबर, ये देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इसमें क्या क्या है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ये पूरा यहाँ तक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, इंडियन पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा वगैरह वगैरह, नेशनल इंटरनेशनल डे, जो आपके इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, इंडिया टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आर्ट एंड कल्चर, इंडिया एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड विनर्स इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट, ये आपका जो पूरा जनरल अवेयरनेस है पूरा का पूरा 10 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा नहीं, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरनेशनल डे इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपका फेमस बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स एंड विनर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टॉपिक्स आप छोड़िएगा नहीं। अब आपका आता है हिंदी अनरीड पैसेज, 2 पैसेज आएंगे आपको, ठीक है, दोनों में 5-5 नंबर के 5-5 प्रश्न होंगे, टोटल आपका 10 नंबर, ठीक है, एक पैसेज आएगा उसको आपको पढ़ना होगा, उसके कुछ प्रश्न होंगे उसका उत्तर देना होगा, दूसरा पैसेज आएगा उसको पढ़ना होगा, उसमें कुछ प्रश्न दिए होंगे उसको आपको उत्तर देना होगा, आपको कुल मिला के ये समझ लीजिए 10 नंबर फ्री के मिलेंगे, ठीक है। दूसरा ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, 2 ग्राफ आपके आएंगे, आप कभी लोग पूछ रहे थे ग्राफ कैसे, अरे जो ग्राफ्स आपके बने होते हैं ये इस तरह के ग्राफ्स जो बने होते हैं, ठीक है, जो इस तरह के ग्राफ्स आते हैं आपके जो बने होते हैं, इस तरह के आपके ग्राफ्स आते हैं ना कुछ इस तरह के बने होते हैं या इस तरह के कुछ बने होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसमें कुछ लिखा होता है, इधर कुछ लिखा होता है, इस तरह के ग्राफ्स होते हैं, तो उसके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ में भी, और टेबल इंटरप्रिटेशन में भी, टेबल भी आपको इसी तरह की दी होती है, टेबल आपको इस तरह की दी जाएगी, मैं आपको बता दूं कि ए कुछ लिखा है ऐसा टेबल बनाया है, बी कुछ लिखा है ऐसा टेबल बना के दे देते हैं, उसके आपके प्रश्न होते हैं, ठीक है, यहाँ कुछ लिखा होगा तो बताया जाएगा कि ए ने यहाँ पे साल लिख देते हैं, ए ने किस साल सबसे ज़्यादा किया इस साल, बी ने सबसे कम किस किया तो इस साल सबसे कम प्रोडक्शन किया, जो भी, तो ग्राफ और टेबल 10-10 नंबर, बहुत सिंपल है आपको 10 नंबर लाना। अब आप समझ लीजिए ग्राफ सिंपल है 10 नंबर आ जाएंगे आपके, टेबल सिंपल है 10 नंबर आ जाएंगे, हिंदी अनसीन पैसेज बहुत सिंपल है 10 नंबर आ जाएंगे, मतलब ये 30 नंबर आपको कहीं नहीं छोड़ना है। इसके बाद ये 30 नंबर आपके हो गए, इसके बाद आपको जो ऊपर इंग्लिश का था अनसीन पैसेज वो नहीं छोड़ना है, करंट अफेयर्स 10 नंबर का, आपके ये 30 नंबर हो गए, करंट अफेयर्स 10 नंबर, आपको 40 नंबर हो गया, ठीक है, 40 नंबर ये हो गया, और उसके बाद आपका रीजनिंग, ठीक है, ये रीजनिंग ये 5 नंबर का है, तो मतलब आपके 50 से 50-60 नंबर आपको फ्री में मिल रहे हैं, बस थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए, मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपल ट्रिक, आपको क्वालिफाई करना है पीईटी, टॉप नहीं करना है पीईटी में, क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या कीजिए, हिंदी अनसीन पैसेज कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 10 नंबर आपके आ जाएंगे, अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 अनसीन पैसेज की रोज़ प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके 10 नंबर आ जाएंगे। ग्राफ आप 1 ग्राफ रोज़ प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ आपके 10 नंबर आ जाएंगे। टेबल इंटरप्रिटेशन 1 टेबल का रोज़ प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है, ये आपके 30 नंबर हो गए। अब देखिए जनरल अवेयरनेस, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये कठिन पड़ेगा, इधर आ जाइए लॉजिक एंड रीजनिंग पे, ठीक है, बहुत सिंपल है रीजनिंग, रोज़ 2 क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए, मैं लिख के दे रहा हूँ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, रोज़ कितने करंट अफेयर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मैंने मैक्सिमम बता दिए, वैसे तो 5 ही होते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही होते हैं, ठीक है, आपको रोज़ कितने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, 5 या 10, सीधे सीधे आपके 10 नंबर आ जाएंगे। अब आप जोड़ लीजिए, मैंने आपको 45 नंबर सीधा सीधा बता दिए जो आपको कुछ नहीं करना है,
इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम वो बच रहा है, अगर आपको पढ़ने का है सामान्य हिंदी पढ़िए, 5 नंबर आपके आ गए, ठीक है 50 नंबर हो गए, सामान्य हिंदी पढ़ दिए। उसके बाद जो है आपको अर्थमेटिक जो ये मैथ्स दी गई है 5 नंबर की, ये आपको आसान है, 55-60 नंबर हो गया। साइंस थोड़ी बहुत पढ़ लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, ठीक है जो आपको आसान लगता है। अगर आपको हिस्ट्री कठिन लग रही है तो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ लीजिए, ठीक है अगर आपको ज्योग्राफी आसान लगती है तो वो पहले पढ़ लीजिए। तो ये दोस्तों देखिए पढ़ने का तरीका है। तो ये आपका PET का सिलेबस हो गया दोस्तों, अब इंग्लिश में जो कि गवर्नमेंट जॉब्स यूपी का आपको, अब ये PET का सिलेबस अगर आपको अभी इस जो PDF फाइल है ये आपको मिल जाएगी, आप गवर्नमेंट जॉब्स यूपी की हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप पे भी जा सकते, इस पे वेबसाइट पे जा सकते हैं, नहीं तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हमारी एंड्रॉयड ऐप का, गवर्नमेंट जॉब्स यूपी की एंड्रॉयड ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ से एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है वहाँ से आपको मिल जाएगा ये सिलेबस, आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। मैं जानता हूँ आपके PET को लेकर और बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, सारे प्रश्न जो आपके प्रश्न बचे हैं ना कि कैसे क्या जो होंगी चीज़ें, फॉर्म निकलेगा तो कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगला वीडियो जो होगा वो उसी के ऊपर होगा, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी जाएंगी कैसे क्या करना है। मुझे नहीं लगता अब इसके बाद किसी को सिलेबस समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे से समझिए। दोस्तों को अगर लगता हो आपके कि शेयर करना ज़रूरी है तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है इसमें कोई आपसे आगे नहीं चला जाएगा, कोई आपसे पीछे नहीं हो जाएगा, शेयर कर दीजिएगा, मिलके पढ़िए और अच्छे आपके नंबर आएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आपको हमारी मेहनत सही अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।